दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023, यानी अगर कहा जाए कंप्यूटर पर लगातार डिस्कशन जारी है। बिल्कुल वही सिलसिला फिर से एक बार शुरू हो रहा है, सफल बैच। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए सफल बैच लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र और मात्र अगर कही जाए तो 220 रुपये है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लिंक के माध्यम से भी सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सफल बैच के दौरान आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है और सारे सब्जेक्ट के नोट्स और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए हम दे रहे हैं आपके बेहतरीन सफलता के लिए। तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम है, यहाँ देखिए सबसे ऊपर 4 नंबर कन्फर्म कर लो। बिल्कुल आप सभी से मैं कहना चाहूँगा चैप्टर नंबर 13 से आपके लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी अगर कहा जाए कंप्यूटर नेटवर्क की जो भी अवधारणाएं हैं इस वीडियो में हम आपके बीच में चर्चा करने चल रहे हैं। प्लीज़ मैं निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कम से कम आपका 4 नंबर क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। बाकी आप इस जो है जो भी चीज़ें हैं उसे आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही है तो बिल्कुल मुझे आप कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, आपने पहले भी देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क, यानी अगर कहा जाए नेटवर्किंग की अवधारणा आखिरकार क्या होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, यहां से देख पा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर हैं जाहिर सी बात है वो आपस में जुड़े होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, सबसे पहली हेडिंग आपकी बनती है नेटवर्किंग की अवधारणा। पहले कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी का सम्मिलित रूप से प्रयोग कर किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को संचार के माध्यम की सहायता से आंकड़ों, सूचनाओं, संदेशों इत्यादि के आदान प्रदान हेतु परस्पर संबद्ध करने की अवधारणा ही नेटवर्किंग कहलाती है। भाई आज के समय में आप देख पा रहे हैं नेटवर्किंग किस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है। कोई जो है देख पा रहे हैं आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर नेटवर्क की सहायता से दूर दराज 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बैठे व्यक्ति से आप संपर्क साध लेते हैं। किस प्रकार से, इस बीच में जो नेटवर्क की अवधारणा बनी हुई है यानी नेटवर्किंग की वजह से। अगर कहा जाए एक साफ शब्दों में हम कहें तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध या कनेक्टेड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो मैं कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर एक बेसिक नॉलेज में कहें तो जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ जाते हैं तो यही नेटवर्क कनेक्टिंग कहलाता है या नेटवर्क कनेक्शन कहलाता है, जो भी आप कहिए, ठीक है। यहाँ मैंने कहा आपसे जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की ही चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें हम परस्पर संबद्ध जो है संबद्ध या कनेक्टेड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क आखिरकार है क्या चीज़, है ना। देखिए कहा जा रहा है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना कंप्यूटर कहलाता है, है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर से अगर कहें हम तो कहा जा रहा है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अब इसी के क्रम में आ रहा है, देख पा रहे हैं उसी हेडिंग के अंतर्गत कहा जा रहा है एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हो जिन पर कार्य करने वाले अपने जो है कंप्यूटर पर कार्य तो कर सकते हैं अपितु उसे बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। आगे कहा जा रहा है सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है, है ना। जो सर्वर होता है लोग कहते हैं कि भैया सर्वर डाउन हो गया है। अब आगे कहा जा रहा है
कि सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का काम करता है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपने और उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क था। अगर देखा जाए और भी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। एक जो चैप्टर होता है, चैप्टर तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक जो टीचर होता है, जैसे आप अगर अपने मन से पढ़ते हैं यही चैप्टर नंबर 13 को ही, तो मैंने तो 5 पेज में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन अगर यही आप लिखेंगे तो कम से कम मुझे लगता है कि 7 पेज से कम नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मदद जरूर लेनी पड़ती है। एक बेहतरीन नोट्स आपके लिए है, अगर आपको परचेज करना है तो मात्र और मात्र 220 रुपये शुल्क है, आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, है ना। चलिए देखिए आगे आ रहा है, नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या हो सकता है। अब नेटवर्किंग, भाई आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, है ना, तो उसका उद्देश्य क्या है। कहा जा रहा है विभिन्न प्रयोक्ताओं के कंप्यूटर को परस्पर जोड़ना। भाई जाहिर सी बात है नेटवर्क का यही उद्देश्य ही होता है कि जो भी प्रयोक्ता है उसे हम जो जी हाँ कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही, यही नेटवर्क है। आगे कहा जा रहा है दूसरा है कंप्यूटर को परस्पर विनिमय या आदान प्रदान करना। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा अगर कहें एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना, ये भी कंप्यूटर का उद्देश्य है। और चौथा कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं अगर चौथे के अंतर्गत कहें हम, तो किसी एक कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, कहा जा रहा है किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित प्रोसीड आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना, ये भी एक कंप्यूटर का उद्देश्य ही कहलाएगा। ठीक है, अगला इसी के अंतर्गत और भी आ रहा है, हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे, एक बचा हुआ है, मैंने उस नोट्स में तो नहीं प्रोवाइड किया है लेकिन आप सुन लीजिएगा। कहा जा रहा है सहकारी प्रक्रियाओं हेतु दो या दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का उपयोग करना, ये भी कंप्यूटर या नेटवर्किंग का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे यहाँ आ रहा है कंप्यूटर के जो है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या क्या होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार जरूर होंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कहा जा रहा है कि विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लैन, वैन, मैन। ठीक है, ये आपको एक सीरियल वाइज नाम आ रहे होंगे, इसे आप अच्छी तरह से याद करिएगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मोटर एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से जरूर याद करिएगा। ठीक है, सॉरी ये मेट्रो एरिया नेटवर्क है, क्षमा चाहूँगा, है ना। देखिए कहा जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन का मतलब होगा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क यानी व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। तीसरा है मेट्रो क्षेत्र नेटवर्क, या ये तो इसका हिंदी में दोनों में ही है, एक का है। ठीक है, तो अब यहाँ अब जैसे आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है, हालांकि इसके पहले मैंने जो प्रोवाइड किया वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस पर एक टिप्पणी पूछ लेता है, लैन को विस्तृत रूप में लिखिए, वैन को विस्तृत रूप में लिखिए, या मैन को विस्तृत रूप में लिखिए। जैसे अगर आपने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है किसी से, ठीक है, तो अगर शॉर्ट नोट्स में आ गया कि आप मैन को डिफाइन करिए, तो आपके मन में आएगा यार ये मैन होता क्या है, कहीं मैन आदमी की तो बात नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी ना किसी, कोई भी टीचर क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही हेल्प लें, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं अगर उनके पढ़ाए हुए चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उन्हीं की सहायता से पढ़िए। ठीक है, चलिए यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और मेट्रो एरिया नेटवर्क आपका मैन हो गया। ठीक है, चलिए अब इन तीनों के बारे में भी आप समझ लीजिए आखिरकार ये लैन क्या होता है। देखिए यहाँ लैन के बारे में लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन आ रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है इस प्रकार के नेटवर्क कम दूरी तक सीमित होता है,
ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं जिसे तांबे या फाइबर ऑप्टिकल केबलों के उपयोग करके संस्था कार्यालय के भीतर ही समस्त कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। आगे कहा जा रहा है, इस प्रकार के नेटवर्क सीमित दूरी के अंदर प्रचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में है, ठीक है, लैन लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रचालित होते हैं। इसमें 100 कंप्यूटर या आप कह सकते हैं 1000 कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। अगला है, लैन के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ने के लिए निम्न 2 तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। पहला है क्लाइंट सर्वर तकनीकी, दूसरा है पीयर टू पीयर तकनीकी। ठीक है, अब यहाँ जरा सा विचार करेंगे। लैन को कहा जा रहा है एक निश्चित जो है एक नियत जैसे दूरी के अंदर ही जोड़ा जाता है। जैसे आपने तमाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा जो लैब होता है उस लैब में ढेर सारे कंप्यूटर रखे जाते हैं, ठीक है, और सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, है ना। तो वहाँ क्या काम करता है, जो आपका लैन होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो सारे कंप्यूटर इसी के अंतर्गत जुड़े होते हैं। यानी किसी संस्था, कोई संस्था हो गई, उस संस्था में लैन काम करेगा यानी लोकल एरिया नेटवर्क काम करेगा। देखिए, इस प्रकार के नेटवर्क सीमित दूरी के अंदर प्रचालित होते हैं। लैन लगभग 1 किलोमीटर, यहाँ तो 1 किलोमीटर की बात किया है, लेकिन भाई 1 किलोमीटर में जो है चीज़ें जुड़ सकती हैं लैन के माध्यम से, है ना। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो आ रहा है कि क्लाइंट सर्वर तकनीकी जो है, दूसरा है पीयर टू पीयर तकनीकी। अब यहाँ, अब इसके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे कि ये क्लाइंट तकनीकी क्या है और ये पीयर टू पीयर तकनीकी क्या है। हालांकि यह भी थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कस कर देते हैं, जो आपका क्लाइंट सर्वर तकनीकी है, इस प्रकार की तकनीकी के अंतर्गत लैन के सभी कंप्यूटर एक शक्तिशाली केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जो कि विशाल भंडारों, ठीक है, जो कि विशाल भंडारण आंकड़े व अनेकों जटिल सेवाओं को क्रियान्वयन का समर्थन करता है, ठीक है, केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर कहलाता है, है ना। और भी इसके तमाम कार्य होते हैं, इन चीज़ों को छोड़िए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वही आपसे पूछा जाएगा, लैन के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ आ रहा है वैन, यानी अगर कहा जाए वाइड एरिया नेटवर्क, अब आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये क्लाइंट समझ लीजिए, क्लाइंट को अगर हम एक शब्दों में कहें, ठीक है, तो नेटवर्क में, ठीक है, जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर की तुलना में कम सामर्थ्य वाले हो सकते हैं, जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लाइंट हो गया। अब आ रहा है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कहा जा रहा है वैन से तत्पर, ठीक है, वैन से तात्पर्य सुदूर क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क जो है प्रणाली को परस्पर संबद्ध करना है। इससे या इसने इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। यह नेटवर्क हजारों किलोमीटर, ठीक है, कौन, जो आपका वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क हजारों किलोमीटर तक आपका वाइड एरिया नेटवर्क फैला होता है। अगला है वाइड एरिया नेटवर्क में एक शहर के छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे शहर से या राज्यों से शहरों के देशों से जो है के शहरों में संपर्क स्थापित कर छोटे बड़े नेटवर्क को जोड़ा जाता है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क में एक शहर के छोटे कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों के शहरों, दूसरे देशों के शहरों में स्थापित जो है छोटे बड़े नेटवर्क से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से, वैन के माध्यम से, ठीक है, वैन, यानी अगर कहा जाए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये जो वैन है, है ना, इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। विशेषता के बारे में भी भाई आपको जानना आवश्यक है, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसकी हानियाँ, विशेषता, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ को आप विस्तृत रूप से पढ़िए, है ना। चलिए देखिए, कहा जा रहा है इस नेटवर्क संचार के लिए भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है। कौन से, वाइड एरिया नेटवर्क की, है ना। अगला है, इस नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों के बीच एक भौतिक लिंक की आवश्यकता
जो है नहीं है, ठीक है, किसी भौतिक लिंक की आवश्यकता नहीं होती है, जो है किसमें, वाइड एरिया नेटवर्क में, है ना। अगला है तीन नंबर देखेंगे, यह नेटवर्क सबसे बड़ा एवं कम खर्चीला होता है, है ना, कौन, वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा है इस नेटवर्क में आंकड़ों की गति लगभग 1200 से 9600 बिट प्रति सेकंड होती है, है ना, बिट बाइट आपको पता ही होगा, ठीक है। पांचवा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा चार हो गया, पांचवा इसी के अंतर्गत होता है, इसके स्थापित करने में लागत अधिक आती है, है ना। इसके जो है यहाँ देखिए नेटवर्क सबसे बड़ा एवं कम खर्चीला होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो इसे अगर हम स्थापित करते हैं तो इसमें लागत जो है थोड़ा सा अधिक आता है, है ना। चलिए ये आपका हो गया, अब यहाँ से आ रहा है मेट्रो एरिया नेटवर्क, यानी यहाँ से ध्यान देंगे वाइड एरिया नेटवर्क हो गया जो है, अब यहाँ से मेट्रो एरिया नेटवर्क ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, है ना। चलिए अब यहाँ अभी हम लैन और वैन में अंतर भी आपको दिखाएंगे। यह भी एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क ही है, किंतु इस नेटवर्क की जो है स्थापना जो है सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए नहीं की जाती, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है, ठीक है। ये तो आपका जो है मैन हो गया, ठीक है, मेट्रो एरिया नेटवर्क हो गया। अब यहाँ से लैन और वैन में अंतर भी आपको जानना आवश्यक है, है ना, इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, चार पांच है अंतर, वही आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित भौगोलिक जो है क्षेत्र में काम करता है, और वैन जो होता है ये विस्तृत क्षेत्र में काम करता है, यानी जो लैन है वो कम क्षेत्र में काम करता है और जो वैन है ये विस्तृत क्षेत्र में काम करता है, आप एक बेसिक चीज़ में देखिए, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर को आपस में तारों से जोड़ा जाता है और भौतिक लिंक कहा जा रहा है, भौतिक लिंक से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, स्थापित करने में लागत कम लगती है और लागत ज़्यादा लगती है, ठीक है, लैन को स्थापित करने में लागत कम लगती है और वैन को ज़्यादा लगती है। चौथा है किसी संस्था विशेष से संबंधित होता है और ये आपका विश्वव्यापी, लैन जो होता है मैंने आपको बताया एक किलोमीटर के अंदर ही इसे हम स्थापित कर सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं, तो यही ये कहा जा रहा है कि लैन जो है इसके जो है विशेष संबंधित होता है किसी संस्था से, लेकिन ये आपका जो वैन है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये विश्वव्यापी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, अब यहाँ आ रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी। एक एक शब्द आपके बीच में आएंगे जिसे थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे, लेकिन यही सब पूछे जाते हैं। अभी मैंने जो लैन और वैन में अंतर आपको बताया, ये लैन और वैन लगातार आपसे कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ देखिए चार नंबर कन्फर्म, कम से कम इस चैप्टर से चार नंबर के क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं, इसलिए इसे आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत, हम कहें तो यह नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। पूछा जा सकता है नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या चीज़, तो आप कहेंगे कि एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो आपके भैया चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार को भी आपको जानना है, चार कौन कौन से हैं, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी और जाल टोपोलॉजी, यानी बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया और नेट टोपोलॉजी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार टोपोलॉजी है क्या चीज़, टोपोलॉजी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, यह नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से जो है केबलों द्वारा जुड़े जाते हैं या जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ जो बस टोपोलॉजी है ये एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब यहाँ आ रहा है, विचार करेंगे कि आखिरकार ये बस टोपोलॉजी है क्या चीज़, है ना।
तो भाई बस टोपोलॉजी के बारे में अगर हम कहें तो जैसे बस आपका काम करता है, सेम चीज़ें वही होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम कहें अगर, तो बस टोपोलॉजी में नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले सभी कंप्यूटरों को एक सामान्य तांबे के तार से, मुख्यतः जो है कोएक्सियल के केबल से जोड़ा जाता है, जिसे हम बस कहते हैं, है ना। अब ये तो हो गया जिसे हम बस कहते हैं, इसमें सभी कंप्यूटर, इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं एक सीधे तार से जुड़े होते हैं, और तार को नेटवर्क कार्ड में संलग्न एक टी द्वारा जो है कनेक्टरों के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये इसे स्थापित करना सरल होता है, ठीक है, इसमें बहुत कम केबल की आवश्यकता होती है, ठीक है, कम लंबे केबलों की आवश्यकता होती है, और ये अधिक गुणवत्ता वाले महंगे केबल का उपयोग भी किया जाता है, और इसमें तमाम हानियां भी होती हैं। हानियां क्या होती हैं बस के अंतर्गत, ठीक है, दो कंप्यूटरों के बीच दूरी बढ़ाने या नेटवर्क बढ़ाने से इसकी लंबाई जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और संचार की जो गति है वो धीमी हो जाती है। यही सब इसमें हानियां भी हैं, लाभ हानि को भी आप जान लीजिए। किसी कंप्यूटर या वर्क स्टेशन को ख़राब हो जाने से पूरी नेटवर्क प्रणाली ठप हो जाती है। जैसे आज के समय में आप अगर घर में अपने वायरिंग करवाते हैं तो हर एक कमरे की वायरिंग अलग अलग होती है, और पता लगा कि एक कमरा, यही हमारे पास जैसे चार कमरे बने हुए हैं, ठीक है, और चारों कमरों की वायरिंग इसी कमरे से, एक ही कमरे में हमने सब कुछ किया और एक कमरे से हमने सभी में वायरिंग कर दिया, तो अगर इसमें हमारी विद्युत सप्लाई ठप हुई तो जो आगे के तीनों कमरे हैं उसकी भी विद्युत सप्लाई ठप हो जाएगी। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो यही हमारी इसमें हानियां हैं बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो हमें कैसे करना चाहिए, जैसे हमारे पास चार कमरे हैं तो चारों कमरों की वायरिंग हमें अलग अलग करनी चाहिए, है ना। क्यों अलग करनी चाहिए, जैसे खुदा न खास्ता ये बीच वाला ख़राब हो गया तो हमारा ये दुरुस्त बना है, ये भी दुरुस्त बना है, भाई जो भी आएगा इलेक्ट्रिशियन आएगा डायरेक्ट इसी के तार को चेक करेगा और तुरंत ये सही कर देगा, और ना ही तो पता लगा भैया इसी से हमने सभी को कनेक्ट कर दिया है तो इसको भी चेक करेगा, समय ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, आपका जो भी नुकसान है वो आपको सहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक चक्र अथवा रिंग में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। भाई रिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से आपस में लोग जुड़े रहे, है ना। अगला है संदेश सिग्नल प्रेषण की प्राप्ति के लिए दो चरण होते हैं। पहले चरण में प्रत्येक कंप्यूटर सिग्नल प्राप्त करता है व उसे पुनः संचारित करता है तथा जिस कंप्यूटर है तो संदेश भेजा गया है उसे स्वीकार कर उसे उस पर कार्य करता है। ये आपका रिंग टोपोलॉजी है, है ना। रिंग टोपोलॉजी का जो फिगर होता है ये सेम इसी तरह से बना होता है, है ना। हालांकि अगर देखा जाए रिंग टोपोलॉजी में कुछ इसके लाभ भी होते हैं। लाभ कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। केबल में व्यवधान या सरलता से खोजा, जैसे केबलों में अगर कोई दिक्कतें हुई इसे हम सरलता से खोज सकते हैं, ठीक है। यह अधिक विश्वसनीय होता है। इसमें संचारण की गति बस टोपोलॉजी की तुलना में अधिक होती है। इसकी खामियाँ भी कुछ होती हैं भाई, जिसके लाभ हैं उसके कुछ न कुछ हानियाँ भी होती हैं, है ना। बस टोपोलॉजी की अपेक्षा जो है इसे स्थापित करना कठिन है, बस टोपोलॉजी सरल होता है। अगला है रिंग, दो रिंग व्यवस्था में भी दोनों रिंग खराब होने पर प्रणाली जो होती है बाबू वो बंद हो जाती है, है ना। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला आ रहा है आपका स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कहें तो इसके अंतर्गत एक सर्वर कंप्यूटर होता है तथा प्रत्येक वर्क स्टेशन या टर्मिनल कंप्यूटर इसी सर्वर कंप्यूटर में सीधा जुड़ा होता है, और जो यह विधि होती है अत्यंत प्रचलित है। कंप्यूटरों को सर्वर से सीधे जोड़े जाने के कारण जो है इसकी रचना सितारे या स्टार के समान होने के कारण ही इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। आ रहा है यहाँ, देखिए सुनिएगा, इसमें कंप्यूटरों को सर्वर से जोड़ने हेतु सर्वर के साथ हब नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक जाल टोपोलॉजी है, ये फाइनली आपका अंतिम है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ये जो लास्ट में मैंने चीज़ें आपको प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए इन्हें आप अच्छी तरह से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अब हालांकि अगर देखा जाए और भी टोपोलॉजियाँ संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कभी ये पूछी नहीं गई हैं, ठीक है। जाल टोपोलॉजी के अंतर्गत अगर हम कहें तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है। इसी कारण से इसे जो है पॉइंट ऑफ
नेटवर्क अथवा जाल नेटवर्क कहते हैं। संपूर्ण जाल नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए जो है, अगर डिवाइसेस को जोड़ने के लिए एन ब्रैकेट में एन माइनस वन अपॉन टू भौतिक जो है चैनलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके जो लाभ हैं हानियां हैं, हालांकि जाल टोपोलॉजी के भी कुछ लाभ होते हैं कुछ हानियां होती हैं, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, तो आपसे ये शार्ट नोट्स में ज़रूर पूछे जाते हैं कि आखिरकार ये बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे कभी ना कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।